दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं कल ये नर्सरी से एक प्लांट लेके आया था जेड का। दोस्तों, इसके अंदर जो मुझे स्टाइल दिख रहा है वो कैस्केड स्टाइल दिख रहे हैं। देखिए, इसकी जो ये ब्रांच है इसको हम इस तरह से कैस्केड की तरह ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ ब्रांच हमें रिमूव करनी होगी और थोड़ा सा इसको स्टाइल देना होगा, उसके बाद हम इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो प्रूनिंग है वो कर लेते हैं, यानी इसकी जो ब्रांच है वो निकाल लेते हैं। तो इसके जब हम इसको कैस्केड बनाएंगे तो इसके दो फ्रंट हो सकते हैं। एक तो ये फ्रंट होगा इसका, इस साइड इसकी दो ब्रांचे हैं, या फिर हम इसको ये वाला स्टाइल दे सकते हैं इस साइड। आई थिंक ये ठीक रहेगा। इस साइड की जो ब्रांच है वो हमें कम रिमूव करनी होगी, सिर्फ जो नीचे की ये ब्रांच है ये हमें रिमूव करनी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ब्रांच को कट कर देंगे और मैं इसको कट कर दूंगा। ओके दोस्तों, मैं इस पे वायरिंग कर देता हूँ। दोस्तों, इसकी ब्रांच जो है वो सॉफ्ट होती है, तो इसके लिए आप बिल्कुल नरम वायर लें। ये जो वायर मैं यूज कर रहा हूँ ये वायर इसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और वायर नहीं थी सो मुझे ये यूज करनी पड़ रही है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ओके दोस्तों, वायरिंग हमने कर दी है। अब हम इसको पॉलीथीन बैग से निकाल लेंगे और इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा देंगे। सबसे पहले ऊपर की साइड से शुरू करें मिट्टी को हटाना, जब जड़ें आ जाए इसकी तब स्टॉप कर दें। फिर आप नीचे से चेक करें रूट बाल को कि नीचे कितनी मिट्टी लगी हुई है, यानी कि जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो हमें निकाल देनी होगी। और दोस्तों, प्लांट हमने तैयार कर लिया है। अब जो पॉट है इसके लिए दोस्तों कैस्केड पॉट होती है, लेकिन वो पॉट मेरे पास नहीं है, तो फिलहाल मैं इस पॉट में इसको ग्रो कर देता हूँ। सीमेंट से जब इसकी पॉट बना लूंगा तब हम उसको दोबारा से रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, जेड ट्री को पानी की बहुत कम जरूरत होती है, तो इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। बाकी ये प्लांट धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी जो लीव्स हैं ये इसके अंदर पानी को स्टोर रखता है, इसलिए इसको पानी की कम जरूरत होती है। ये एक सकुलेंट प्लांट है, तो इसको पानी ज्यादा ना दें। अगर ज्यादा पानी देंगे तो आपका प्लांट मर जाएगा और इसको इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले पॉट में सॉइल डाल देता हूँ, मैं गार्डन सॉइल यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। पहले सॉइल फिल करेंगे और उसके बाद हम प्लांट को रख के देखेंगे। आई थिंक यहाँ पे ठीक है। अब इसमें हम और सॉइल ऐड कर देंगे। और जो प्लांट हमने लगा दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा जो शेप है वो दे देते हैं। हल्का हल्का इसको हम नीचे की साइड मोड़ देंगे, जिस तरह से जो कैस्केड होते हैं वैसे। अभी इसका फर्स्ट टाइम है, यानी कि हमने इसको फर्स्ट टाइम वायरिंग की है, फर्स्ट टाइम इसको पोर्ट किया है। अब इसको धीरे धीरे इसी पोर्ट में ग्रो होने देंगे। बारिश की सीजन में अगर हो सके तो आपका सोइल अगर वेल ड्रेन नहीं है तो इसको थोड़ा सा आप जो पोर्ट है पोर्ट को आप इस तरह से रख दें बारिश के सीजन में, ताकि पानी कैश के अंदर खड़ा ना हो और नीचे निकलता जाए। दोस्तों, कैस्केड के लिए जो पोर्ट होती है मैं वो आपको दिखाता हूँ, मैंने बनाई थी। ये देखिए, मैंने ये कैस्केड पोर्ट बनाई थी, इतनी मिट्टी से बनाया हुआ है। कैस्केड प्लांट को हमेशा आप ऊंचाई पे रखिए, ताकि जो इसकी ब्रांच जो नीचे की तरफ ग्रो करती है वो इजीली ग्रो कर पाए, और जो चौड़ाई है पोर्ट की वो कम होनी चाहिए। जैसे कि इस पोर्ट की चौड़ाई ज़्यादा है तो इसको क्या आगे जाके
बैंड होना पड़ रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि इसकी इतनी नजदीक कम से कम होता तो ये जो इसकी ब्रांच है ये यहीं से बैंड हो जाती है और भी अच्छा लुक आता। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब इसको अच्छी सी पोर्ट में शिफ्ट करेंगे तब इसका लुक और भी अच्छा आएगा। फिलहाल हमने फर्स्ट टाइम इसको पोर्ट किया है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको कैस्केड स्टाइल दे सकते हैं। अगर आपके पास भी जेड है तो जेड से आप बहुत अच्छी अच्छी स्टाइल बना सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।